हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय ब्लॉग। और मैं रोहित, और आप देख रहे हैं रोहित डेली ब्लॉग। और अभी मैं आया हूँ खेत पे और खेत की सिंचाई कर रहा हूँ। अभी आपको वो भी दिखाता हूँ। मैं सुबह 5:30 बजे आ गया था, तो थोड़ा अंधेरा था, तो मैंने सोचा क्या ब्लॉग बनाऊँ। तो अब मैंने पानी चला दिया और खेत में जा रही है, आपको दिखाऊँ। वहाँ से मशीन चल रही है और यहाँ पर पानी आ चुकी है, और अभी धीरे धीरे पूरा सींचेंगे। बगल में गोभी भी है, उसको भी दिखाता हूँ आपको। ये धनिया है। और बारिश हो गई थी, बारिश की वजह से नुकसान हो गया काफ़ी, वरना धनिया और अच्छा होता। ये आप देख सकते हो गोभी है इस साइड में। गोभी अब कम से कम 10 से 15 दिन के अंदर तैयार हो जाएगी, उसके अंदर से फूल निकलना शुरू हो जाएगा। और धनिया भी शायद अगले संडे को हो सकता है काटें, वो भी तैयार हो चुकी है। और चलते हैं, पानी थोड़ा काटते हैं, भर चुकी है, तो आपको दिखाते हैं पूरा। यहाँ पे हम लोग काटते हैं और पूरा वहाँ तक जाती है, और ये वाली भी भरने वाली है। तो अभी हम यहाँ पे काट के बांधेंगे इसको। कोई मुश्किल का काम नहीं है ज़्यादा, ये है कि ध्यान देना पड़ता है कहीं इधर से इधर पानी ना आ जाए। तो अभी आपको दूसरा वाला खेत भी दिखाएंगे, उसमें भी आज पापा गए हुए हैं और थोड़ा खेत वेत सही कर रहे हैं। वहाँ पे भी धनिया ही बोएंगे। और यहाँ पे चारों तरफ आप दिखा देता हूँ मैं, खेत ही चारों तरफ आप देख सकते हो। उधर गोभी है चाचा की, इस साइड में भी खेत ही खेत है। यहाँ पे मतलब जितने भी लोग हैं सब खेती करते हैं। और ये थोड़ा जो है हमारे बाज़ार से, बाज़ार के पीछे है, तो यहाँ पे रहते बहुत कम लोग हैं, एक ही घर बना है उस साइड में। अब के पीछे जो है, पीछे आपको वो दीवार दिख रही होगी, वो एक ही घर है और यहाँ पे कोई रहता नहीं है। वो आप देख सकते हो हमारे छोटे चाचा के जो है दोनों लड़के गोभी काट रहे हैं। उनकी गोभी तैयार हो चुकी है, कुछ दिन में हमारी भी हो जाएगी। और यहाँ पे कोई रहता नहीं है, क्योंकि एक तो ये मार्केट के पीछे पड़ती है, तो यहाँ पे कोई रहता नहीं। वही आपको एक घर दिखाया था, रहेंगे धीरे धीरे। अभी तो सब लोग यहाँ पे खेती करते हैं। और मैं आपको अपनी धनिया दिखा सकता हूँ, अभी अच्छे से आपको दिखाता हूँ। ये आप धनिया देख सकते हो हमारी, बारिश की वजह से बहुत नुकसान हो गई, नहीं और अच्छी धनिया होती। और इस पर जैसे कि आप देख सकते हो पानी आ चुका है। अभी मैं आगे जाके काटूंगा, फिर दूसरे वाले में आएगी, तो वहाँ पे मशीन चल रही है और यहाँ से पानी होके आ रही है खेत में। और आधा सींच चुके हैं और आधा और सींचना है। बारिश की वजह से नुकसान हो गई है, तो अब जो बच्चा है उसी को काट के हम लोग किसी तरीके से बेचेंगे। और पापा दूसरे वाले खेत में हैं, तो आपको वो भी दिखाऊंगा मैं, और अपनी गोभी भी। आज जितने भी खेत हैं सब आपको दिखाऊंगा मैं, क्या क्या मैंने मतलब बो रखे हैं। और आपको बगल में गोभी भी दिखा देता हूँ मेरी। ये आप गोभी देख सकते हो, ये भी मेरी है, इसको मैंने कल ही सींचा था। तो और बगल में धनिया है, तो धनिया को आज सींचना ज़रूरी था, तो मैंने कहा चलो इस पर पानी चला देते हैं। एक घर के पीछे खेत है, उस पर भी गोभी पर मैंने मतलब बो रखे हैं। और पापा गए हैं जहाँ, वो भी आपको पूरा दिखाऊंगा। और वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, आपको अच्छी अच्छी और चीज़ें दिखाता रहूँगा मैं। तो मिलते हैं फिर, जहाँ पापा काम कर रहे हैं वहाँ पे दिखाऊंगा मैं। तो हम लोग पहुँच चुके हैं पापा के पास, अभी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर खेत बन रही है, तो आपको पूरा खेत दिखा। यहाँ पर सही कर रहे हैं पापा, यहीं इसी में धनिया बोई जाएगी। और पीछे आप देख सकते हो गेंदा का फूल है, ये पूरा एक तरफ से लगी हुई है। ये सामने जो घर देख रही है इन्हीं का है ये पूरा। हम लोग रस्सी खींचने जा रहे हैं लाइन बनाने के लिए, तो वो दिखा से एक तरफ पापा रहेंगे, एक तरफ मैं रहूँगा, और इसमें लाइन बनाई जाएगी। तो इसी लाइन पर नाली बनेगी, जैसे आप पीछे देख रहे हो ये धनिया है, ये भी मेरा है। इस पर घास बहुत ज़्यादा है, ये भैंस वैंस के लिए चरी है। और
फिर लाइन खींचने के बाद आपको पूरा दिखाता हूँ मैं। मैंने और पापा ने रस्सी खींच के लाइन बना लिया और अभी आपको लाइन दिखाता हूँ। अभी खड़े में भी करना है, यह तो बीड़ में था, ये आप देख सकते हो। अभी हम लोगों को खड़े में करना है, तो अभी रस्सी खींच लेता हूँ मैं, उसके बाद करते हैं। तो अब जा रहे हैं खड़े वाला, हम लोग इसी से करते हैं, ये आप देख रहे हो, इसको कैड़ा बोलते हैं। इसको रखने के बाद इसी के साइड से हम लोग लाइन खींचते हैं, एक छोटा है एक बड़ा है। तो छोटा वाले से, तो छोटी वाली से हो गई, अब छोटा बड़ा दोनों एक साथ लगाना है, तो अभी आपको दिखाऊंगा मैं। पहले हम छोटा लगाएंगे यहाँ पे, यहाँ छोटा लगा दिया, फिर यहाँ पे लगाएंगे बड़ा। तो यही साइड से जो है, यहीं से हम लोग लाइन खींचेंगे सामने तक, बिल्कुल देख पा रहे हो पापा बैठे हैं। तो खींच के फिर आपको दिखाता हूँ मैं कैसा लगता है। तो अभी हम लोगों ने सब लाइन खींच लिया है और अब चलते हैं घर पे, कुछ खाना वाना खाते हैं, उसके बाद फिर आएंगे 2 बजे। तो अभी आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे पापा भी कर रहे हैं, वो उधर धनिया रहेगी और ये जो पापा ने बनाया है इसमें वो रहेगा, चकुंदर रहेगा, मूली रहेगी, साग रहेगा, और मतलब यहाँ पे मतलब जितने भी घर के खाने पीने का सामान है जो भी, वो सब इसमें रहेगी। और रस्सी रख ली है, अभी बस पापा एक और बना लें, उसके बाद चलते हैं। मैं आपको दूसरी वाली गोभी भी दिखाऊंगा जो हमारे घर के पीछे है, चलते हैं फिर वहीं पे दिखाता हूँ आपको मैं। अभी मैं खेत से आ चुका हूँ और सृष्टि हमारी यहाँ पे हमारे साथ खेल रही है, और अभी मैं आपको पूरा अपना घर दिखाता हूँ, आप देख सकते हो ये पूरा मेरा घर है। ऊपर मेरा कमरा बना हुआ है और साइड में भैया भाभी रहते हैं, यहाँ मम्मी पापा रहते हैं, और मैंने यहाँ पे कुछ फूल वूल बैठा रखे हैं, देख सकते हो आप, इधर लगा रखे हैं फूल, इधर गुलाब भी लगा रखे हैं। साइड में देख सकते हो मंदिर है, अभी आपको लेके चलता हूँ। हम और सृष्टि जाएंगे रहे अभी आपको गोभी वाला खेत दिखाने, तो चलें चलें बता दो, तो चलते हैं फिर आपको गोभी का खेत दिखाता हूँ मैं। गोभी देख सकते हो, ये मेरे घर है पीछे, इसी के पीछे गोभी लगी हुई है, और यही इतना नहीं है और भी है, मैं आपको पूरा दिखाऊंगा। यहाँ पे लोबिया जिसको कहते हैं, यहाँ पे बोड़ा कही जाती है हमारे इधर, तो ये लोबिया लगी हुई थी, तो इस पर घास बहुत हो गया, तो ये ख़राब हो गई है, निकलती नहीं है, और ये गोभी हमारी तैयार हो जाएगी 10-15 दिन में। और सामने आप जितनी गोभी देख रहे हो सब हमारी है, ये देख सकते हो। अभी आपको वो गोभी दिखाऊंगा जो 5-6 दिन में काटने लायक हो जाएगी, तो ये देखिए आप, ये आप गोभी देख सकते हो। अभी इसमें फूल नहीं आए हैं, फूल आ जाएगी तो बहुत दूर तक है, ये 5 बीघा में है और तो पूरा मिला के 12 बीघा है। ये मैंने आपको गोभी दिखाई दी और ये लोबिया की खेत, तो ये तो ख़राब हो चुकी है, निकलती नहीं है लोबिया, तो इसको जुतवा के फिर इसमें कुछ दूसरा बोया जाएगा, उसके बारे में पापा ही बताएंगे। और फिर चलते हैं, फिर अभी नहा धो के कुछ खाते हैं, उसके बाद फिर आपसे वहीं पे खेत पे मुलाकात करते हैं। तो हेलो गाइस, हम लोग नहा धो के रेडी हो गए, 2 बज चुके हैं, अब चल रहे हैं खेत में, वहाँ पे नाली वाली झाड़ रहे होंगे, काका पहुँच चुके हैं, तो अभी वहाँ चल के आपको दिखाता हूँ, मम्मी भी जा रही है वहाँ पे, तो वहीं पहुँच के आपको फिर दिखाता हूँ पूरा। हम लोग खेत में पहुँच चुके हैं, पीछे आप देख रहे हो नाली झाड़ी जा रही है, अभी आपको भी वो पूरा दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं इधर नाली सब, यहीं से पानी जाएगी सामने से, सामने की साइड। यहाँ पे हम लोग अभी लहसुन और प्याज, साग, मूली सब यहीं पे बोएंगे, उधर माटी चढ़ा रहे हैं। वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और अच्छे लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और हमारे चैनल पे बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।